हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है? और आज तो मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस कितना ही डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो जो है उसके लिए मैं अपने आप को और आप सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और आपके अंदर जो एनर्जी है, विटामिन्स की कमी है, वो सबको कैसे दूर किया जा सकता है और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एप्पल और पाइनएप्पल, ऑरेंज और पोमग्रेनेट और लेमन जूस और शुगर और ब्लैक सॉल्ट और सॉल्ट लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं, बस इतने ही हमें यूज़ करना है। और अगर आप लोगों को शुगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह हनी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम किसी जग में या बॉटल में, जिसमें आपको जो है ईजली आप यूज़ कर सके, 1 लीटर पानी ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे ये ग्रेट किए हुए एप्पल। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैसे मैं ग्रेट कर रही हूँ, तो इस ग्रेटर से मैंने ग्रेट किया है। अगर आपके पास इस टाइप का ग्रेटर नहीं है, पतला बारीक वाला, तो आप इसे चॉप कर सकते हैं, स्लाइस में भी कर सकते हैं और इफ़ेक्ट वैसा ही होगा। बस ये खाने में ईजली जो है ईजी होता है और ईजली हम लोग इसे खा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप को जो भी ईजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक बाउल एप्पल लिए लेके हम इसमें ऐड कर देंगे और उसे मिक्स कर देंगे। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ पाइनएप्पल, और मैंने यहाँ पे हाफ कप पाइनएप्पल लिया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खट्टा हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है। तो जो जूस था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये मैंने लिया है 1 कप, यानी कि 1 पूरा ऑरेंज, जो ऑरेंज आता है। अगर आप लोगों के पास ऑरेंज नहीं है, जो मौसमी होती है वो भी आप डाल सकते हैं, जो संतरा होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ मैं अनार ऐड कर रही हूँ, जो कि ये भी 1 पूरा अनार है मीडियम साइज़ का, तो ये भी 1 बाउल है, तो मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी। और जैसे ही ये मैं अनार ऐड करूँगी तो इस पानी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा पिंकिश पे आ जाएगा। और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। ये मैंने जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरा लेमन जो है काफ़ी बड़ा था, तो उसका मैंने हाफ लिया है। अगर आपके पास छोटा है तो आप पूरा डालिए। और यहाँ पे मैं 4 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको शुगर ऐड नहीं करनी है तो आप यहाँ पे हनी ऐड कर सकते हैं, हनी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट हनी सबको सूट नहीं करता है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, या मैं हाफ टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो और टेस्ट जिसको ज़्यादा पसंद है वो और ऐड कर सकता है और टेस्ट इससे और अच्छा हो जाता है। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें और ज़्यादा डाल रही हूँ। तो आप किसी भी ब्रांड का ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा पिंच जो है सॉल्ट ऐड करूँगी, 1 पिंच। देख सकते हैं कि मैंने बस थोड़ा सा ही सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि हमने साथ में ब्लैक सॉल्ट भी ऐड किया है। तो उसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे। और अगर इसे आप ओवरनाइट रखते हैं और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पीते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप 2 से 3 या फिर जब भी आपको पीने का दिल करे आप पी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं ये कि चिल्ड होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और अब ये हो गया है मेरा चिल्ड। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ।
और इसे कैसे पीना है, और इसे आप बना के रख दीजिए और दिन भर आप पीते रहिए। आपके बॉडी को डिहाइड्रेट भी करता है और ये आपके बॉडी में जितने भी विटामिन्स हैं उनका कमी है उनको दूर करता है और आपको एक रिफ्रेशिंग एनर्जी देता है। और आपके सबसे पहली बात है कि आपके जो है इम्यूनिटी सिस्टम है उसे इम्प्रूव करता है और आपके अंदर एक ज़बरदस्त सी एनर्जी लाता है। तो ये आपके जो है जितने भी आपके बॉडी के जो सिस्टम है, जो जैसे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या आपको वीकनेस लग रही है या आपको भूख नहीं लग रही है या कुछ इस टाइप की जो भी आपको प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इस ड्रिंक से आपका आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी। और ये मैं इंस्टेंट आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मैं ऑलमोस्ट 2 वीक से ट्राई कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा है। ये सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और हम सब पीते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हेल्पफुल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये जो है आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसका वाटर ही नहीं निकाला बल्कि जितना भी मैंने फ्रूट्स इसमें ऐड किया है वो सारे मैं फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर रही हूं और साथ में ही इसका जूस भी पीना है और फ्रूट्स भी च्यू करना है। तो इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि जूस के लिक्विड के साथ साथ हमें सॉलिड भी लेना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों ही हम लोग को इफ़ेक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। ये जूस आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसे मैं 2 वीक से ऑलमोस्ट ट्राई कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे इतना ज़्यादा, मुझे और मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा लगा है कि मेरे हस्बैंड ने कहा प्लीज़ इसे शेयर करो ताकि और लोग जो है इसे इस जो का वो चल रही है यहाँ पे पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का जो है प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी तो अल्लाह के भरोसे है, जिसको जो होना होगा वो होगा, बट एहतियात तो ज़रूरी है। तो इंसान को अपने एहतियात भी करना चाहिए और अपने जो भी बॉडी के सिस्टम्स हैं और जो भी कमियां हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और जिस तरह मैं पी रही हूँ उसी तरह आपको पीना है और बीच में जो है ये जो फ्रूट्स है उसे खाना है। और आप इसे बना के रख सकते हैं, काम के दौरान भी थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं आप। अब तो हस्बैंड लोग भी जो है घर से काम कर रहे हैं, घर से जो है आप लोग ऑफिस वर्क हो रहा है तो हस्बैंड को बीच बीच में बना के देते रहिए। और